बच्चों, आज आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का अध्याय 1 शीत युद्ध के दौर के विषय में हम पढ़ेंगे। तो भारत और शीत युद्ध, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत दो स्तरों पर भूमिका निभाता है। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की से अलग रखा। दूसरे भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नए स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रिय थी। नेहरू जी ने विश्व को याद दिलाया कि गुट निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्ध प्रतिद्वंदिता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। भारत ने राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता करने के लिए हुआ। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान ऐसा हुआ। यहाँ तक याद रखना भी जरूरी है कि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा जिसने शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका और सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े थे। नेहरू जी ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया और शीत युद्ध को खत्म करने में न सही पर उसकी पकड़ और जकड़ ढीली करने में ही सकारात्मक भूमिका निभाई। कुछ लोगों का मानना था कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता था। ये बात तो ठीक है कि गुट निरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। पहली बात तो यह है कि गुट निरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित हो और न कि महाशक्तियों और उनके दूसरे देशों का। दूसरे, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा है कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से उसकी कोई अनदेखी कर रहा है या उस पर बिना वजह अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही उस पर कोई अपना दबाव बना सकता था। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना भी की गई। हम कह सकते हैं कि दो आलोचनाओं की चर्चा इस प्रकार। आलोचनाओं का एक तर्क यह है कि भारत की गुट निरपेक्षता सिद्धांत विहीन है, ऐसा कहा गया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से हमेशा बचता रहा। आलोचकों का दूसरा मत यह है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी हो जाती है। महाशक्तियों के खेमे में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं सन 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ अपनी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में शामिल हो
भारत की सरकार का दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की बहुत आवश्यकता थी और यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती। तो गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में भी बहुत अधिक पनपी थी। आगे हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे कि सन 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता तथा प्रभाव में थोड़ी कमी आई। गुटनिरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल हैं। गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आज़ाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है और यदि ये देश साथ आ जाएं तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। गुटनिरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। यह आकलन यह आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर भी टिका है। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक हैं। बच्चों, ये कुछ गृह कार्य के लिए आपको क्वेश्चन और आंसर हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और पढ़ेंगे।